और ट्रेडर लोगों के पास गए हैं तो उन्होंने सौदा किया है और सौदे में घाटे मुनाफे चलते रहते हैं मान लीजिए मैंने आपको दस रुपए दिए सर उस टाइम आप दस रुपए वो चीज ले रहे हैं आपके पास कोई ऐसी मजबूरी आ गई कि सर मुझे वो चीज वापस देनी है देनी है लेकिन मैं कहता हूँ नहीं भाई साहब दस रुपये की चीज़ नहीं रही अभी छः अरे भाई साहब छः कैसी कैसी हो गई जब ली जब दस की थी इतनी जल्दी वो छः की आ गई तो दैट मीन चीटिंग्स कि हम पहले भी कमाए फिर उसके बाद में उसको भी और कमाए ये नहीं होना चाहिए आपको अपने माल पे भरोसा होना चाहिए यार मैंने दस रुपये का माल बेचा है आप उसका एक मान लो ए, दस रुपये के अंदर आप उसका नौ हज़ार नौ सौ नौ हज़ार आठ सौ रुपये कर लो ईमानदारी के तौर पर कहीं ना कहीं तो जमीर को जिंदा रखो यार ये बिल्कुल वाजिब बात है फिर हम एक दूसरे की मदद थोड़ी कर रहे हैं हम एक दूसरे को काट रहे हैं हैं और मैं बाहर के लोगों को भी कहता हूँ कि वो ज्यादा समझदार बन के आते हैं हमारे यहाँ अच्छा अजमेर के ट्रेडर हो हमारे या पुष्कर के ट्रेडर हो या कहीं के भी ट्रेडर हो उन इनकी तो मजबूरी हो बन गई बेचारे की क्योंकि वो पहले वाले के पास आता है दो सत्तर रुपये किलो बोलता है दूसरे वाले को उसने बताया दो सत्तरी है झूठ बोलता है कि सर मेरे को तो ढाई सौ में दे रहा है अब उसको वो चीटिंग से नजर आती है फिर बिल्कुल बिल्कुल मैं ट्रेडर लोगों को ये अभी ये हमारे भाई लोग ही हैं ये मैं इनको कहता हूँ आप एक अच्छे किसान बन जाए या एक अच्छे व्यापारी बन जाए बिल्कुल ठीक है लेकिन ये जो चोर बाजारी है ये बंद कर दें उसमें भी तो सर कुछ एक है दो तीन परसेंट ही होंगे ना सर भाई देखो सारे तो लोग तो बुरे नहीं होते हैं सर हाँ, हाँ, मैं कब कह रहा हूँ सारे बुरे हैं हम सारे लोगों को बुरा तो नहीं कह सकते कहीं ना कहीं तो उनमें भी अच्छाई छिपी होती है लेकिन एक्चुअल क्या होता है ये करना नहीं चाहते लोग इनसे करवा रहे हैं मैं इस बात इस बात का तो मैं भी प्रूफ देता हूँ मैं कई बार विजिट करता हूँ मैं चुपचाप देखता रहता हूँ अब एक किसान आता है वहाँ का ट्रेडर व्यापारी आता है बाहर से आता है वो कहता है साहब ये बकरे साहब ये है अब पहले तो उसको पहचान होनी चाहिए कि नस्ल के बारे में क्या है भी खुद, खुद हो बेचने वाले का काम क्या है वो अपने बुरी चीज भी बेचेगा और अच्छी चीज भी बेच रहा रहे वो क्यों रखेगा अच्छी चीज तो बाद में बिकेगी सबसे पहले बुरी चीज बिकती है ये आज से नहीं सदियों से रहा है हैं दौरे इश्क रहा है, है सदियों जमाना हमारा कोई यहाँ बुरा दिखता है कोई यहाँ अच्छा दिखता है अब यहाँ कोई अच्छा देखने का आपकी नजर का काम होना चाहिए भाई साहब आपको अच्छा दिखता है तो आप अच्छे के तौर पर चले जाओ आपको बुरा दिखता है तो आप उससे साइड में हमें नहीं करना डेट सोल भाई ज्यादा से ज्यादा आपको क्या होगी ना होगी तो ना सुनने की आदत डाल लो यार एक ट्रांसपोर्ट की जैसे एक पिकअप गाड़ी यहाँ से जाती है अब उस जैसे मेरे वाली बकरी है मैं ये बारह बकरी से ऊपर जा ही नहीं सकती नहीं जा सकती है ठीक है अब उसके अंदर ये बीस बकरी ले जाते हैं तो भाई साहब ना और वो ब्लेम करते हैं में आता है। बिल्कुल ब्लेम करते है सर यहाँ के जो व्यापारी है, उनको तो ये, है। ये तो मेरे अजमेर वाले भाइयों को समझाना होगा इनको कि जितनी लिमिट है उतनी लिमिट के जानवर ले जाएं लालच अच्छी बात है लालच अच्छी बात है लेकिन अति लालच बहुत बुरा है ना वो मैं ये कह रहा हूँ कि सर जो बाहर से व्यापारी आते हैं किराए बड़ा तो उनका ही रहता है ना तो ये लालच क्यों करेंगे सर ये तो कहेंगे भाई आप जितना कैपेसिटी है उतना ले जाओ वो लालच इसलिए करते हैं जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ यार की मैं एक व्यापारी हूँ मान लीजिए हाँ। और मैं अजमेर आ गया ठीक है अब मुझे यार की मेरी एक गाड़ी में तीस जानवर आ रहे हैं और मेरे चालीस जानवर हैं अब मैं जो जानवर के लिए मैं दूसरी गाड़ी क्यूँ करूँ हाँ। इसी में डाल के ले जाऊं तो वो गलती उन्हीं की है ना दूसरी गाड़ी नहीं करना वो भारी पड़ता है वो... फिर बढ़ती है वो ब्लेम करते हैं यहाँ के जो देखिए इंसान की हमेशा फितरत रही है वो अपनी गलती किसी पे डालता ही नहीं वो दूसरों में डालता है मैं अगर ये इनको पहचान हो जाए इनको वास्तव में ब्रीड की नॉलेज हो अब मैं एक बात कहता हूँ एक किसान के पास गया कोई व्यापारी बन के ठीक है सर आपकी बकरी क्या रेट अब किसान ने ओरिजिनल के तौर पे उस बकरी के पच्चीस हजार रुपये तीस हजार मांग लिए ओरिजिनल ब्रीड के पैसे लगते हैं मैं कहता हूँ जैसे मैं एक बार पंजाब दौरे पे था पुखरा जी सर बटिंडा जिले में बटिंडा जिले के हम साबोतलवंडी गांव में थे तो वहाँ मुझे कोई एक हरियाणा का आदमी मिल गया भाई साहब सब कहा हरियाणा के वो कहाँ रहते हो राजस्थान में तो उसने मुझे कहा यार हरियाणा राजस्थान में क्या रखा है नहीं, नहीं। नहीं। बिल्कुल मैं हरियाणा हूँ भी हमारी जन्मभूमि है नहीं। नहीं। लेकिन ये भी सत्य है कि हमारी कर्म भूमि भी राजस्थान है हम दोनों ही भूमि को सलाम करते हैं यार जिसकी खाओ बाजरी उसकी बजाओ हाजरी क्यों आप गलत कह रहे हो तो अब क्या होता है उसने पच्चीस हजार बकरी की मांगी उसने उस किसान का मजाक उड़ाया क्योंकि सौदा कोई करना ही नहीं चाहता सब मजबूरी खरीदते हैं सब मजबूरी खरीदना चाहते हैं। सौदा तो कोई करना ही नहीं चाहता अब मान लीजिए पच्चीस हजार की बकरी है वास्तव में किसान ने जायज पैसे मांगे वो नहीं कहते ना बाजी आपकी बकरी तो दस हजार रुपए की है चीज़ अब चीज़ किसान का मजाक उड़ा कि नहीं, नहीं। आप व्यापारी है लेकिन मैं कह रहा हूं, किसान की इसके ऊपर तो तो लोगों के लिए भी सबक होगा ये जो से मेरे बाहर से जो किसान दोस्त आ रहे हैं उनके लिए भी सबक होगा ठीक है और जो मेरा किसान है अगर सही मायने में मेरी बात उस तक पहुंच रही है तो उसके लिए भी सबक ही होगा कोई भी काम है ना दिल से कर लो यार दिमाग से मत करो यार सारे काम दिमाग से नहीं होते हैं कुछ कुछ काम दिल से भी करना सीख लो यार <laughs> आप जानवर की ब्रीडिंग करना सीख लो जानवर को देना सीख लो जानवर को पालना सीख लो <laughs> वरना तो एक दिन ऐसा होगा कि जो हाल सिरोही जिले का हो ना जिस नाम से ब्रीड है <laughs> वहाँ आज बकरी देखने को नहीं मिलती है <laughs> अच्छा सही बात है ये तो सच आप जाके प्रैक्टिकल देखो ढूंढते रह जाओ की मिंगनी बची है वहाँ ये अजमेर का सौभाग्य है कि यहाँ ब्रीड पन परी है लेकिन अगर ये हालात रहे तो आने वाले साल दो साल में यहां भी ब्रीड नहीं बचेगी इन बेवकूफों को ये पता ही नहीं है कि ब्रीड को सहज के रखना क्या चाहिए बाई बीस का बाड़ा बनाने से जाल जाल जाली टांगने से गोट फार्म नहीं बनता है हाँ। गोट फार्म बनता है बकरियां रखने से बकरियां पालने से अब खुद ही पुखराजी मेडिकल टेस्ट लाइन पे इस बकरी का क्या ब्याह होता है ये सिर्फ छह दांत की बकरी है अभी अब कोई ट्रेडर कह दे यार भाई साहब ये ढाई सौ किलो तोल के दे दू मैं दे दूंगा क्या है ये तो सर, किसान भी नहीं देते दे सर मैंने भी, भी नहीं दे सकता किसान को... अब कोई बाहर से खरीदने आता है वो ज्यादा बन के आ जाता है तो उसके लिए फिर सबक ये ये फिर बैठे हैं है हाँ। वो कहता है ना कि भी ज्यादा सियाण बन के गए थे और ज्यादा सियाणों ने तेल लगा दिया यही होता है ना है फिर कमेंट आते हैं भाई साहब हमारे को उस फार्म वाले ने बना दिया भाई साहब कलेक्टर बनाने की उनके पास कोई वो नहीं है बनाने का ही काम करेंगे आप क्यों बन रहे थे आप क्यों बन रहे थे एक एक तो उनको नॉलेज नहीं नहीं है एक ट्रेनिंग नहीं है ट्रेनिंग लेके आते और बेसिक जब बेसिक नॉलेज नहीं है मुझे कहना पड़ा ये कड़वे शब्द में माफी चाहता हूँ व्यवर से कि मुझे ऐसे शब्द को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए लेकिन ये जरूरी हो गया कि बकरी तैयार कैसी होती है बकरी का सप्लीमेंट क्या चीज़ है नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी यहाँ तो कई बार तो ऐसे ऐसे आ जाते हैं हमारे पास एक पहली क्लास में गए नहीं डायरेक्ट उनको बी की डिग्री चाहिए तो वो गलत है अब बेसिक नॉलेज उठाओ तब मैंने एक कहानी याद आती है मुझे पुखराज जी कि मजबूरी मत खरीदो यार किसी की सौदा खरीदना शुरू कर दो तो एक सौदागर होता है ये कहानी मैंने काफ़ी बार चैनल पे दे दी है लेकिन आपके चैनल पे भी दे देना मुझे लगता है कि सही मायने में अगर इस कहानी में दम होगा तो इसको लाइक जरूर करेंगे लोग एक सौदागर होता है वो उसको एक घोड़े की जरूरत होती है अच्छे घोड़े के तलाश में तो वो उस मंडी में जाता है जहाँ घोड़े की मंडी लगती है वहाँ पर भी एक मजबूर किसान उस मंडी में आता है भी भी वो अच्छा मंडी में आता है तो साधु अच्छा। ये अलग कहानी है सर ये कहानी अलग है अच्छा। वो कहानी अलग थी अच्छा। वो मंडी में उस किसान आता है उसके पास भी घोड़ा है सौदागर की उस घोड़े पर नजर पड़ती है भी घोड़ा तो बहुत अच्छा है तो उसने किसान से पूछा अच्छा बाबा तेरे घोड़े की कीमत क्या है बाबा ने कहा भाई मेरे घोड़े की कीमत तो पाँच सौ रुपये है hmm. मेरे घोड़े की कीमत तो hmm. पाँच सौ रुपये है hmm. सौदागर कहता है भाई बाबा मैं तेरा घोड़ा तो लूँगा लेकिन मैं चला के देखूँगा जब उसको चला के आता है hmm. तो उसको वो घोड़ा बहुत ही पसंद आता है Achja. तो उसने कहा बाबा तेरे घोड़े की सही कीमत बता क्या है hmm. कभी अगर आपको पसंद आ गया है तो आप मुझे सौ पचास रुपये कम दे दो मुझे तो बेचना है और आपको लेना है कि नहीं बाबा तेरा घोड़ा वास्तव में छः सौ रुपये का है अच्छा। तो किसान ने ये कहा कि सेठ जी ऐसा है कि किसी का मजाक नहीं उड़ाते हैं आपको पसंद है तो ले जाओ पाँच सौ नहीं आप मुझे चार सौ दे जाओ कि नहीं।, नहीं फिर वो उस घोड़े को वापस अपने से एक बार घुड़सवारी और करता है उसके चक्कर लगा के आता है और उसको वो घोड़ा सौदा करके दिल में बैठ जाता है वो कहता है बाबा अब मुझे इसकी एक्चुअल कीमत बता तो दिल पे आ रखे कबाब जी ठागा अगर ज़्यादा ही पसंद है आपको बहुत ही पसंद है तो आप इस घोड़े के पचास रुपये और कम दे दो मुझे अच्छा। साढ़े तीन सौ दे दो ठीक अच्छा। है सौदागर कहता है नहीं भाई बाबा ये घोड़ा तेरा सात सौ रुपये का है अच्छा और बढ़ा बढ़ा वो बढ़ा रहा है उसका पैसा लेकिन फिर वो सौदागर उससे और करता है तो क्या बाबू आप मुझे तीन सौ रुपये दे दो जब तीन सौ रुपये तक वो घोड़ा आता है तो किसान की आंखों में रियल में आंसू आ जाते हैं तो सौदागर UH, कहता है बाबा हो सकता है मैं कहीं गलत हूँ हो सकता है आप कहीं भी गलत हो लेकिन मुझे लगता है कि तेरा घोड़ा वास्तव में हजार रुपए का है जब वो सौदागर ये बात कहता है हजार रुपये का घोड़ा है तो किसान की आंखों से बिल्कुल आंसू झरने लग जाते हैं कि बाबा उसको कहता है किसान कि मेरे पास बहुत से घोड़े खरीदने वाले आए बहुत से लोग आते हैं लेकिन किसी ने मेरे घोड़े की कीमत पचास रुपये लगाई किसी ने सौ भी लगाई लेकिन कीमत किसने लगाई लेकिन मेरा घोड़ा वास्तव में हज़ार रुपये का है अच्छा तो किसान उसको कहता है कि भी मेरी तो मजबूरी है सौदागर उसको हज़ार रुपये निकाल के देता है कि ले बाबा ये हज़ार रुपये ये घोड़ा मुझे देते हैं जब वो कहता है जब घोड़े को जब वो छोड़ता है तो उसको उसने बहुत प्यार से पालता है उसका अंतर्मन भारी और हो जाता है अच्छा। तो सौदागर उससे पूछ लेता है बाबा तो ऐसी क्या मजबूरी है जो तू उस घोड़े को बेच रहा है सौदागर ये कहता है कि भाई मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है मेरे पास पैसा नहीं है और मैं इस पैसे से अपनी बेटी की शादी कर पाऊंगा तो मेरे दिल का एक बोझ कम हो जाएगा सौदागर इस बात को बड़ी ध्यान से सुन रहा होता है सौदागर के हाथ में जो घोड़े की लगाम है वो किसान को दे देता है कि बाबा आज से तू ही अपना मुझे अपना बेटा समझ लेकिन तेरा घोड़ा वास्तव में हज़ार रुपये का है ये मुझे खुशी हुई ये घोड़ा भी तेरा और ये हज़ार रुपये भी तेरी लेकिन किसान ये बात कहता नहीं भी मैंने तो इसको मोल बेचा है तो ले जा कोई दिक्कत नहीं, नहीं। अपनी बात हो गई ये घोड़ा मेरे पास रही आपके पास रही घोड़ा घोड़ा ही है लेकिन जब वो सौदागर उससे जाने लग जाता है तो किसान उसको कहता है कि बेटा एक बात तो सुन मेरी तो मजबूरी थी कि मैंने हज़ार का घोड़ा साढ़े तीन सौ तीन सौ रुपये में बेचने के लिए तैयार हो गया लेकिन तेरी ऐसी क्या मजबूरी है जो तू मुझे इस घोड़े के हज़ार रुपये देने के लिए तैयार हो गया तब उस सौदागर ने कहा कि बाबा मैं सौदा करता हूँ किसी की मजबूरी नहीं खरीदता हूँ तो एक्चुअल क्या होता है कि हमारे जो बाहर के व्यापारी आते हैं कई ये सौदा नहीं करते भाई साहब ये मजबूरी खरीदते हैं अगर सही मायने में किसान के पास गए तो उन्होंने हमेशा किसान की मजबूरी खरीदी है और ट्रेडर लोगों के पास गए हैं तो उन्होंने सौदा किया है और सौदे में घाटे मुनाफे चलते रहते हैं ये बहुत बड़ी बात कही ये बात नहीं है क्या बिल्कुल बिल्कुल अब ये कहते हैं भाई साहब मेरे जानवर की मोटिलिटी हो गई भैया आपकी गलती है ये मेरा कुछ ऐसा हो गया नॉलेज का अभाव है सौदे में तो कुछ भी होता है अगर आपने दिल लगा के जानवर को देखा होता और दिल लगा के खरीदा होगा तो कभी भी वो एक ऐसी आवाज़ है वो कभी आपको नुकसान में नहीं डालती नहीं। एक आवाज तो ऐसी है जो कभी किसी को नुकसान में नहीं डालती मैं ऐसे हजारों उदाहरण देता हूँ लाखों उदाहरण मिल जाएंगे दुनिया में लेकिन क्या होता है हम बहुत समझदार चलाक बन के आते हैं और हमें चलाक से सावा चलाक मिल जाता है वाट वहीं लग जाती है ये सच्चाई